कमेटी की बैठक राजपुर कला थाना अलीगंज परिसर में आज मंगलवार को थाना प्रभारी राम रतन सिंह की अध्यक्षता में हुई। इस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में थाना अध्यक्ष के द्वारा क्षेत्र में होने वाली रामलीला मेला के विषय में संबंधित ग्राम के लोगों से मेला के विषय में जानकारी ली गई। नमस्कार दोस्तों, एंकर रवि साहू के साथ आप देख रहे हैं मोर ध्वज एक्सप्रेस RBS7 लाइव न्यूज। हर खबर सच्चाई के साथ मेरे साथ हैं वरिष्ठ संवाददाता अवधेश यादव। पेश है इस वक्त की बड़ी खबर अलीगंज से। थाना अध्यक्ष के द्वारा आगत कराया कि क्षेत्र में 27 सितंबर से 24 नवंबर तक धारा 163 लागू कर दी गई है। जिन जगहों पर रामलीला मेला का आयोजन होता है वहां के आयोजक मेला के लिए परमिशन बनवा लें, बिना परमिशन के मेला आदि किसी भी कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। इसके अलावा थाना अध्यक्ष ने क्षेत्र में पटाखा विक्रेताओं के विषय में भी जानकारी मांगी तथा बताया कि बिना लाइसेंस के कोई भी पटाखा विक्रेता पटाखे की बिक्री नहीं करेगा। इसके अलावा पटाखों की दुकानें आबादी वाले क्षेत्र से दूर लगाई जाएंगी। बैठक में उपस्थित थाना प्रभारी राम रतन सिंह, SI महेश चंद्र, अरविंद कुमार बाबू खान, मिथिलेश कुमार गुप्ता, कमलेश कुमार हेड मोहर, मुकेश कुमार यादव कांस्टेबल, आदित्य यादव, सत्येंद्र सिंह समाज सेवी, मोहित कोरवाल, राजेश गुप्ता पूर्व ब्लॉक प्रमुख, क्यारा जितेंद्र सिंह प्रधान, जयपाल वर्मा प्रधान, राजीव कुमार प्रधान, मुकेश झंडूलाल वर्मा आदि क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित रहे।